अंकल मैं देख रहा था आपको ठंड लग रही है हाथ पे। मम्मी मैं हरिद्वार आ गया। तुम्हारा भाई हुए रेडी हाथ में रही हो ठीक है भाई। सुबह सुबह का टाइम है और टाइम है 6 बजी हुई है। हम लोग ऐसे घूमने फिरने निकले थे और हमारा प्लान बन गया कि हम लोग जा रहे हैं देहरादून, वो भी गाड़ी में और जो कि 300 किलोमीटर लगभग दूर है। मतलब 260-270 दिखा रहा है बट 300 हो ही जाता है गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी डाइट नहीं रुकनी चाहिए, कहीं भी जाओ डाइट नहीं रुकनी चाहिए। और बाहर ठंड बहुत हो रही है, कुछ दिख नहीं रहा बट कोई बात नहीं। हमें यार मैं तो वैसे भी गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, गाड़ी तो भैया चला रहे हैं। हाय गाइस हम यहाँ से जा रहे थे, हमने देखा बाइक पे एक अंकल जा रहे हैं बुलेट पे, तो उन्होंने ग्लव्स नहीं डाल रखे। सो ग्लव्स मेरे पास है तो मैं सोच रहा हूँ मैं उनको दे दूँ। यार बहुत ठंड हो रही है ना, क्योंकि ये रे ग्लव्स मैं सोच रहा हूँ उनको दे देता हूँ। अंकल मैं देख रहा था आपको ठंड लग रही है हाथ पे। अरे आप पहन लो, कोई नहीं आप पहन लो। अरे आप पहन लो, कोई नैपकिन था ठीक है भैया बाय। तो गाइस अंकल को ठंड लग रही थी तो मैंने सोचा यार ग्लव्स दे देता हूँ उनको। हाथ बार बार ना ऐसे बाइक से ऐसे हाथ हटा रहे थे तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मैं क्या ही करूँगा, जाके एक और नई खरीद लूँगा। तो मैंने दे दिए, बस मैं ऐसी उधर से अच्छा हो रहा हूँ, शौक नहीं करना। मैं तुम्हें शौक लग रहा बाबा ठीक, मैं पहली बार ब्लॉग में डाल रहा हूँ। और सोना शेर ही कह दे चीता ही कह दे थोड़े ये अभी सो के उठी है चीता। सॉरी दी आराम से पीछे, तुम्हें दिखी नहीं होगी इसने ब्लैंकेट वगैरह ऑर्डर का था, ये तो आराम से सो रही है, रेस्ट पे है। हम गाड़ी चला के ले जाएंगे कोई नहीं, आराम कर आप आराम करो। भैया गुस्सा मत किया करो, आप मट्टी और चाय हुए मट्टी और चाय ले आओ भैया। मेरे को थोड़ा सा जुकाम हुआ पड़ा है। हमें यहाँ पे मिला था मतलब दुकान थी यहाँ पे पकोड़े की चाय की, तो हमने ये मंगवाया। ओए होए होए क्या टेस्टी, लाजवाब गांव के आए, मतलब बिल्कुल गांव की प्योर चाय यहाँ से लिया हमने और एकदम मज़ा आ गया खा के। मतलब खाया नहीं है अभी, ऐसे ही बोल दिया मैंने, खुशबू से मज़ा आ गया खा के। खा के बताता हूँ वैसे अच्छा ही होगा, टेस्टी लग रहा है। सो गाइस हमने खा लिए वो ब्रेड पकोड़े और चाय पी रहे हैं। भैया सही बताना कैसी थी? मज़ा आ गया एक नंबर भाई। 60 रुपीज में 3 चाय और 2 ब्रेड भाई सीरियसली। और अपने वहाँ पे पूछा कम से कम 600-700 रुपये का बन जाता था और घर का खाना बिल्कुल और एकदम बढ़िया, मज़ा आ गया भाई खा के। तीसरी चाय पूरी हो चुकी है और बाहर ठंड इतनी है कि तुम सोच भी नहीं सकते, अगर बाहर जाओगे तुम्हारा हाथ करोगे तो हाथ बर्फ से जम जाएगा, इतनी ठंड है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? मम्मी मैं हरिद्वार आ गया। भैया बोलो हर हर गंगे। चलो यार अभी हम निकलते हैं। कुछ लोग इतने ज्यादा थक गए हैं। अरे मेरी माँ के हाथ का चूरमा खाए, माँ ने गाल्या सारा चूरमा दरा तो। सो गाइस हम अभी पहुंच गए अपनी प्रॉपर्टी पे। मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं सोया भी नहीं हुआ यार ढंग से, मेरे को बहुत नींद आ रही है, आँख भी नहीं खुल रही मेरी। मैं तो सोऊंगा फिर सो के उठ के फिर हम जाएंगे। भैया सामान रख रहे यार, सामान रख रहे, बोलते तू थक गया तू बैठ मैं रखता हूँ। अभी ऊपर से दिखाता हूँ यार ऊपर जाके, मैं तो बहुत थक गया हूँ। हम आ गए हैं अपनी प्रॉपर्टी पे, मेरा बहुत गंदा हुआ पड़ा, कोई बात नहीं अभी मैं सोऊंगा या फिर कुछ खाऊंगा, उसके बाद तो मैं घुमाता हूँ यहाँ पे।
स्टे ट्यून्ड। सो के उठ गया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे पहाड़ है और अभी हम वहाँ पे मैगी वगैरह चाय पीने का प्लान कर रहे हैं और मैं तो रेडी हो जाता हूँ। मैं बहुत गंदा हुआ पड़ा हूँ और मैं दवाई भी ले लेता हूँ बिकॉज मेरे नाक बंद है, कान बंद है, सब बंद है भाई, जुकाम से बुरा हाल हो गया मेरा। तो चलते हैं अभी फटाफट, रेडी हो जाता हूँ मैं और चलो गाइस। बाहर तो पीछे हमारे देख ही सकते हो कि पहाड़ है, पहली बार पहाड़ों में आया भैया तो खुशी हो रही है। एक्सप्लेन दिस ब्रो, दिस इज अमेजिंग। तुम्हारा भाई हो गया रेडी और अब चलते हैं। अब लग रहा हूँ ना स्मार्ट, पहले मैं नहाया नहीं था और मैंने मुंह नहीं धोया था, जो कि मैंने अभी भी नहीं धोया, बट कोई बात नहीं, स्टिल आई एम लुकिंग नाइस आई थिंक। बाय गाइस, मैं अभी दवाई लेने आ गया हूं। अरे इससे भी अच्छी अच्छी कैफेज है यार, आपको दिखाऊंगी मैं पिक्चर में। मैंने ये मेडिकल से अभी दवाई ली है तो देखते हैं, खाता हूँ इसको, बताता हूँ मैं ठीक हुआ या नहीं हुआ। बस ठीक हो जाओ ना, मैं तो खुल के एंजॉय कर पाऊंगा आराम से। चलो हम बाद में बात करते हैं, सब फोन से बात करते हैं। हम यहाँ पे मैगी खाने आए हैं सिर्फ, बाकी हम कल सुबह ही घुमाएंगे, अभी तो हमारा कोई प्लान नहीं है यहाँ से। क्या आ गया हमारा खाना, एक सेकंड भैया, हाँ रख दो, रुको ना भैया, मैं रुक नहीं पाऊंगा यहाँ पे। एक सेकंड बस, हाँ एक सेकंड इसका चालू हो गया स्नैप। यो ये गाना बता दी मुझे कौन सा, घर जाके सुनूंगा, जिम में थोड़ा सा ही खाता हूँ गाइस। ये ढूस के खाते हैं देख लो, और ये छोटी सी लग रही होगी आपको, इसका पेट छोटा सा नहीं है, ये बहुत सारा खा जाती है। अरे बस करना भैया ने तो खा के अपने पेट का क्या हाल कर दिया। औकात में रही हो ठीक है, औकात में। क्या नाम है तेरा? रोहित सिंह। ले भाई मुंडे का नाम लिखन लगे है पंजाबी से, ते इन्हें पढ़ के बताएगा ये सही, अगर गलत हुआ ना। भाई मेरा नाम रोहित सिंह है ठीक है, पंजाबी नहीं आती, नहीं आती ये तो गलत है यार। ले लिया और थोड़ा सामान मम्मी के ले लिया है, इसमें कुछ है पर्स वर्स टाइप, तो बस जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। बस यहाँ से भी हमारी शॉपिंग होगी डन, जो भी लिया था मम्मी के लिए घर के लिए सब डन। अब चलते हैं यहाँ से, मेरे को ट्रिमिंग करवानी है यार, मैं अपना ट्रिमिंग ट्रिमर भूल गया हूँ इसलिए। 140 ना जी भैया, दूध पी लो गाइस। भैया खुद बनाते हो ये दूध, खुद बनाते हो आप? भैया गाय का दूध लाता हूँ, उसमें कढ़ाई में चढ़ाता हूँ, बिल्कुल भैया बिल्कुल फ्रेश। हाँ हाँ भैया, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू भैया। जैसी आता है ना गाय का लीटर डेयरी से लेके आएंगे, खुशबू आ रही है, कढ़ाई में डाल देंगे, कड़ता रहेगा, अच्छा होता रहेगा, दूध का यही चीज है। मुझे जलेबी खानी है और मैंने दूध ले लिया यार, ये कुल्हड़ वाला, मुझे जलेबी खानी है और मैं देहरादून में घूम रहा हूँ और मुझे मिल नहीं रही यार, कोई कमेंट करके बताओ अगर यहाँ पे कोई अच्छा जलेबी वाला है तो। मम्मी ने बोला जुकाम ठीक हो जाएगा उससे।